अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अली, और आप सबको वेलकम करता हूँ टेक्निकल एबी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो खासकर पाकिस्तान वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग किसी भी रॉन्ग नंबर का डाटा कैसे निकाल सकते हैं। कोई आपको तंग करता है, उसकी आप लोकेशन, डिटेल, एड्रेस, CNIC, शनाख्ती कार्ड नंबर, और उसके शनाख्ती कार्ड नंबर पे कोई अदर नंबर एक्टिवेट है तो वो भी शोमेंट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की ट्रिक की जानब। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया टेक्निकल एबी को, अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं न्यू लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक साइड पे ले चलता हूँ। पहले आप लोगों को पता होगा कि पाक टूल किट कुछ इस तरह की एक एप्लीकेशन आई थी जो कि काफ़ी लोग यूज़ करते थे, काफ़ी यूज़फुल हुआ करती थी पहले, तो अभी वो वर्क नहीं करती। उसी की तरह एक वेबसाइट है ऑनलाइन, ना के ये ऐप है, ऑनलाइन वेबसाइट है, उसके अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो आप लोगों को मैं वो लिंक ओपन करके दिखा देता हूँ। लिंक ओपन करने से पहले आप सब लोगों को प्ले स्टोर में ले चलता हूँ। यहाँ से आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे आपने सर्च बार में लिख लेना है पुफिन ब्राउज़र। जैसे ही आप लिखेंगे पुफिन वेब ब्राउज़र तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, इसका आइकन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये पुफिन ब्राउज़र डाउनलोड कर लेना है और अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। इसका फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी फास्ट वर्क करता है, ठीक है, और इसके अंदर वेबसाइट अच्छी तरह से यूज़फुल हो जाती है। ये बिल्कुल कंप्यूटर की तरह आपको डेस्कटॉप देगा। तो मैं आपको साइट का लिंक दिखाता हूँ, तो आपने कैसे इसको यूज़ करना है आप फुल डिटेल देखना और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। ये तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वेबसाइट लिंक एंड सेकंड वेबसाइट लिंक, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो भी लिंक है, ठीक है, ये मुकम्मल डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे आपने अपना ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेना है, पुफिन ब्राउज़र मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये कुछ ही सेकंड में ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको, ये लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गाइस, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक लाजमी करें, क्योंकि आपके एक लाइक से किसी की ज़िंदगी बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आपको जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं, नंबर वन तो साइन इन एंड नंबर टू रजिस्टर का। तो आपने यहाँ से रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है, पहले आपने अपना अकाउंट यहाँ पे बनाना है, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है, जैसा कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, हो गया। तो यहाँ पे आपने अपना कोई भी नाम रख लेना है, जैसा कि यहाँ पे मैं अली रज़ा, ओके, अली रज़ा नेम हो गया। यूज़र नेम आपने कुछ भी सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि अली रज़ा 6699900। यहाँ से अपना मनपसंद पासवर्ड आपने रख लें, जो भी आपको अच्छा लगे। वैसे आपको याद होना चाहिए आपका पासवर्ड क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6699900, आगे अली लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपने नीचे वाले ऑप्शन पे आपने अपना कोई भी फ़ोन नंबर लिख लेना है, कोई आपका हो या किसी का भी हो, यहाँ पे इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, जो भी अपनी तरफ से कुछ भी लिख लेंगे, ऐसा कि मैं लिख रहा हूँ 030। यहाँ पे ऊपर एक रैंडम नंबर मैंने लिखा था 0302, वन कर लेता हूँ 4128578, ओके, हो गया। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है रजिस्टर्ड का, तो आपने रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे प्लीज़ रजिस्टर टू कंटिन्यू, सॉरी पासवर्ड मैच नहीं हुआ था हमारा, तो हम पासवर्ड चेंज करते हैं, अली 6699900, यहाँ पे 0300 कर देते हैं, ओके, हो गया। सॉरी, कुछ चेंजिंग हो रही है, तो यहाँ पे मैं चेंजिंग और कर लेता हूँ, जैसे कि कोई भी आपने सेलेक्ट करवाना है,
तो यहाँ पे यूज़र नेम पे मैं चेंज ही कर लेता हूँ कुछ थोड़ी सी, 66670 ओके हो गया यहाँ पे 66670। नेक्स्ट अली लिख लेते हैं। रैंडम नंबर जो आपका यहाँ पे है, यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ, 78 था 79 कर लेता हूँ। और रजिस्टर पे अगेन क्लिक। तो यहाँ पे अकाउंट बनाने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं बनता। तो मैं फटाफट अकाउंट अपना बना के मैं इसको ओके करता हूँ। तो जी दोस्तों, यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे मैं कुछ और ही नेम अपना यूज़र नेम रख लिया था। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपायर डेट आ गई है। मैं रजिस्टर्ड हो चुका हूँ पर्सनल टोल किट में, ट्रैकर में, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड नंबर आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड नंबर पे आपने क्लिक कर लेना है। अगर आप किसी का भी नंबर को आप डाटा निकालना चाहते हैं तो आप फाइंड नंबर पे क्लिक करें। जैसे आप फाइंड नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ सर्च नंबर और CNIC विदाउट 0, यानी कि अगर आपने कोई भी नंबर लिखना है तो पहली सिफर के बगैर आपने यहाँ पर नंबर ऐड करना है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ एक्सप्लेन ओके हो गया। तो यहाँ पे मैं कोई अपनी तरफ से नंबर लिख लेता हूँ फटाफट, 3444616360। आई थिंक पूरे हो गया ओके। ये 7300 का मैंने एक नंबर ऐड कर लिया है। तो जैसे ही यहाँ पे आपने अपना नंबर ऐड कर लेना, यहाँ पे आगे एक आपको ऑप्शन मिलेगा गो का, ये नीचे आप देख सकते हैं। तो आपने इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है, ओके हो गया। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये बिल्कुल वर्क कर रहा है, 100% वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं जो मैंने अपनी तरफ से लिखा था, ठीक हो गया। यहाँ पर अगले बंदे का देख सकते हैं, फर्स्ट नेम मोहम्मद, लास्ट नेम है शरीफ। तो ये इसका शनाख्ती कार्ड नंबर आ गया, यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं, यहाँ पे CNIC नंबर लिखा हुआ है। तो नीचे लास्ट वाले ऑप्शन पे इसका एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका एड्रेस शो हो गया। तो आप इस तरह यूज़ करके नंबर निकाल सकते हैं किसी का भी जो आपको तंग कर रहा है, या आपके किसी भी फैमिली वाले नंबर को तंग कर रहा है। तो इस तरीके से आप उसकी डिटेल निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाजमी लाइक करना गाइस, लाइक करने का आपका कुछ नहीं जाएगा, किसी का फ़ायदा हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।